उसमें से 70 साल में 3504 मेगावाट का दोहन किया गया। मैं फिर से एक बार कहता हूं 14000 में से 3500, और अभी जो 17 महीने का हिसाब पूछते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ 17 महीने में 70 साल में 3504 और 17 महीने में 3490 मेगावाट का काम शुरू कर चुके हैं। एक बाजू आपकी चार पीढ़ी ने जो काम किया है वो हमने 1.5 साल के अंदर काम किया है, 1.5 साल के अंदर, ये मालूम होना चाहिए। पिछले 2 वर्ष में लगभग 3000 मेगावाट की जो बंद पड़ी हुई परियोजनाएं थी इसको भी चालू करने का काम किया है, और 3300 मेगावाट की नई शुरू करेंगे। पाकाल दूल 1000 मेगावाट की है और कीरू 624 मेगावाट की है। सावला कोट 1856 मेगावाट, दूलहस्ती दूसरा चरण 258 मेगावाट, उरी 1 दूसरा चरण 240 मेगावाट, और छोटी बिजली पनबिजली योजनाएं लगभग 12 मेगावाट की है जो 123 करोड़ की लागत से हुई। मान्यवर मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाहता था, मगर मुझे उकसा कर हिसाब मांगा गया, मैं भी क्या करूं, इसलिए मैं डिटेल बताना चाहता हूं। सबके लिए बिजली बन तो जाएगी, पहुंचेगी कैसे, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन गांव तक होना चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाद में घर तक होना चाहिए। इसलिए हमने सौभाग्य के तहत जम्मू कश्मीर के 100% लोगों को घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर दिया है, कर चुके हैं माननीय, और 3,57,405 ऐसे लोग थे जिनको 70 साल से बिजली नहीं मिली थी, ये 17 महीने में बिजली देने का काम किया गया। ये हिसाब मांगते हैं माननीय। इस वर्ष 36 किलोमीटर लंबी 33 केवी लाइन बिछाकर एलओसी पर स्थित केरन और मुंडियान गांवों को भी, जो अंतिम गांव थे, उसको भी बिजली से जोड़ने का काम हमने समाप्त कर दिया। पहले वहां डीजल जनरेटर से सिर्फ 3 घंटे बिजली सरकार की ओर से दी जाती थी, अब 24 घंटा बिजली पहुंचे ऐसी व्यवस्था करी। माननीय, बिजली के साथ जीवन की महत्वपूर्ण एक जरूरियात है, ये 4G को मानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूं जल बहुत महत्वपूर्ण है, जल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के हिसाब से 4G जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, मगर हमारी मान्यता अपनी जगह स्थिर है, 4G भी जरूरी है मगर जल अत्यंत जरूरी है। इसलिए सितंबर 22 तक सभी 18.16 लाख परिवारों को पाइप के द्वारा घर में पानी पहुंचाने की योजना समाप्त हो जाएगी। और जब मैं ये कह रहा हूं तब पूछेंगे भी आप तो 22 की बात कर रहे हो, अभी 4 जिलों में 100% घर में पानी पहुंचाने का काम हमने समाप्त कर चुके हैं और 22 तक बाकी के जिलों का काम हम करेंगे। इसके साथ विद्यालयों, आंगनवाड़ियों और शिक्षा संस्थानों को, अस्पतालों को भी हमने जोड़ने का काम किया। माननीय, हमने तय किया है कि 2021 के अंदर ही 5300 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण होगा, जिसमें 700 किलोमीटर कश्मीर में और 4600 किलोमीटर जम्मू में, और हर गांव को 2022 आजादी के 75 साल तक सड़क से जोड़ने का काम भी हम जम्मू कश्मीर में पूरा कर देंगे, इसका बजटरी प्रोविजन भी होगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये हमेशा 370-35 से ऐसे झुनझुने पकड़ाते थे, ना बिजली की बात करते थे, ना पानी की बात करते थे, ना नौकरियों की बात करते थे, ना स्वास्थ्य की बात करते थे। जम्मू कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर जो लोग बसते हैं इनकी स्वास्थ्य की चिंता क्या की है 3 परिवारों ने, मैं पूछना चाहता हूं। 70 साल तक आपने शासन किया, जम्मू कश्मीर के अवाम के स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया, लेकर आइए हिसाब और हमारे एमपीओ के साथ चर्चा करिए। माननीय, मैं सदन को गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार के कालखंड में और 17 महीने बोलते हैं, इसमें हमने जम्मू कश्मीर के पीएमडीपी के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय से 881 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी भेज दी है, जिसमें से 754 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। माननीय, 75 परियोजनाएं पूरी हो गई है और 22 तक 39 परियोजनाएं पूरी हो जाएगी, जिसमें श्रीनगर में 500 बिस्तरों वाला नया अस्पताल, जम्मू में 200 बिस्तरों वाला नया मातृत्व अस्पताल,
जम्मू में नए हड्डी और जोड़ के अस्पताल, जीएमसी जम्मू में 100 बिस्तर के आकस्मिक चिकित्सा ब्लॉक, जम्मू में बालक और बालिका छात्रावास का निर्माण जिसके तहत आता है। और माननीय अध्यक्ष जी, देश भर के 60 करोड़ गरीबों को मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत का आशीर्वाद देकर 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। माननीय मसूदी साहब पूछते थे क्या किया जम्मू कश्मीर के साथ,